जी कढ़ाई रख लेनी है ऊपर, फ्लेम कर लेना ऑन। अब इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन एक कप ऑयल का डाल लिया हमने। जी ऑयल हो गया गरम, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच, एक टीस्पून जीरे की, इसको थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। अब इसमें डालेंगे अदरक और लौंग का पेस्ट, कुटी हुई अदरक और लौंग का पेस्ट, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। अदरक और लहसुन की जो रॉनेस है वो खत्म हो जाए और अच्छा सा अरोमा दे हमारी सब्जी में, अच्छा सा टेस्ट दे। अब हम इसमें डाल रहे हैं फाइनली चॉप ऑनियन। जी प्याज हमारे हो गए हैं तैयार, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो का पेस्ट और थोड़ा सा उसको भी भून लेंगे। जी देखें और साथ ही इसमें एक हम डाल देंगे एक चम्मच हल्दी की और एक चम्मच गरम मसाले की, फ्राई कर लेंगे इनको थोड़ा सा और 2 मिनट तक तकरीबन हम इनके फ्राई करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी और मटर। जी मसाला हो गया हमारा तैयार, अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी और मटर। फ्लेम कर लिया हाई,
पत्ता गोभी आपने काट लेनी है बारीक, ये देखिए हमने काट ली थी बारीक, आपको पता ही है, काट के धो के रख ली थी। अब हम इसमें डाल रहे हैं जी, मैंने मटर किए हैं इस्तेमाल जो फ्रोजन थे मार्केट से, उनको मैंने पहले थोड़ा सा उबाल लिया है उसमें नमक डाल के, ताकि उनका जो मीठापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि गोभी, पत्ता गोभी भी मीठी होती है और मटर भी मीठी होती है। दोनों को डाल दिया है, इनको कर लें थोड़ा सा मिक्स। थोड़ा सा मिक्स कर लेना और फिर रख देना, लो फ्लेम पर रख लीजिएगा ताकि जल ना जाए। जी, अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। अगर आप हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें जरूर डाल लीजिएगा, अगर आप लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो भी थोड़ा सा डाल ही लीजिएगा, कहीं जल ना जाए। इसमें डाल रहे हैं पानी थोड़ा सा, अब रख देंगे इसको कवर करके। जी, तो दरमियान में चमचा चलाते रहना है ताकि आपकी हांडी जो है वो नीचे ना लगे, सब्जी नीचे नहीं लगनी चाहिए। जब आप चमचा चलाएं तो एक बात का ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि जल तो नहीं रही, अगर पानी की जरूरत हो तो पानी भी लगा लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे, एक टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं, चमचा चला देंगे। ये चक्कर बड़ी बेहतरीन, अभी से बड़ी बेहतरीन लग रही है। चलाते रहना है चमचा ताकि जल ना जाए, नीचे ना लग जाए। मैंने सिर्फ पानी एक दफा डाला था इसमें, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप बना रहे हैं हाई फ्लेम पे तो हो सकता है आपको दोबारा से जरूरत पड़े थोड़ा सा पानी डालने की, तो इसको चेक कर लीजिएगा काइंडली। जैसे कि हमने कहा था कि बीच बीच में चमचा चलाते रहना है, ऑलमोस्ट हो गया डन। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और सब्ज मिर्च, ये चेक करें। थोड़ी देर के लिए इनको रख देंगे जी, तो कैमरामैन साहब आप थोड़े करीब लाए कैमरे, ये चेक करें जी, क्या बात, सब्जी बनके तैयार हो गई है बड़ी बेहतरीन, ये चेक करें माशाल्लाह, अल्लाह की शान।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसमें बड़ा बेहतरीन टेस्ट आता है अजवाइन का, ये लीजिए। और हम इसको करेंगे सर्व। ये देखें जी, बड़ा बेहतरीन लुक आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपके दोस्तों तक पहुंचती रहे।